यदि आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी हिंदी पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा दे रहे वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चूंकि अगर आपने हिंदी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इस वीडियो में क्या करूंगा, पूरे किताब का यहाँ पे 100 यानी 100 क्या करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ। अच्छा, 2024 में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, एक एक प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, तो बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाएगा। आपको देखने के बाद से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको हिंदी की कितनी तैयारी है। अगर यह 100 प्रश्न कराने वाला हूं और यहाँ पे लगभग आप 80 प्लस प्रश्नों का उत्तर आप सही सही दे देते हैं, पहले से आपको पता है, प्लस प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आपको हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो अपने आप को आप लोग पहचानिए कि आपने हिंदी की कितनी तैयारी किया है। एक दिन में इस वीडियो को देख के आप हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया रामचरण गोस्वामी, दूसरा दिया गया अमृत राय, तीसरा आपको दिया गया बाबू गुलाब राय, और चौथा आपको दिया गया धर्मवीर भारती। तो आप सभी को याद रखना है कि मेरी असफलताएं जो रचना है वो बाबू गुलाब राय की रचना है। तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला आप प्रश्न देख सकते हैं, आपको दिया गया है प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहला आपको दिया गया मर्यादा और हंस, दूसरा आपको दिया गया छाया और प्रभा, तीसरा आपको दिया गया सुधा और हंस, चौथा आपको दिया गया सरस्वती। तो आप सभी को याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद ने मर्यादा और हंस पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने मैं 3 नंबर प्रश्न दिखा रहा हूँ, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया कि झूठ सच किस विधा की रचना। आपको बताना है कि भैया ये जो रचना है झूठ सच वो किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, जीवनी है, नाटक है या उपन्यास है। तो आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर आपका उपन्यास हो जाएगा, घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आपको काफी इम्पोर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि इंदुमति का संबंध है, आपको बताना है भैया जो इंदुमति है उसका संबंध किससे है, प्रथम कहानी से है, प्रथम उपन्यास से है, प्रथम नाटक से है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोवला हो जाएगा। इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग का समय माना जाता है, आपको बताना है भैया जो शुक्ल युग का समय है वो कब से कब तक माना जाता है। 1900 से 1920 तक माना जाता है, 1919 से 1938 तक माना जाता है, 1925 से 1940 तक माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो शुक्ल युग का समय होता है 1919 से 1938 तक माना जाता है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न लिया है और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको 2 से 3 बार देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब आपको एक ही प्रश्न को 2 या 3 बार लिखा गया होगा। याद रखना कि जो प्रश्न क्या होगा 2 बार 3 बार आया होगा तो उसको बिल्कुल आपको तैयार करना है, क्योंकि 100% वो क्या होगा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और वो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसको 2 से 3 बार यहाँ पे क्या किया गया वीडियो में डाला गया है ताकि आपको अच्छे से वो प्रश्न तैयार हो जाए। यहाँ पे चलिए आपको 6 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि रामचंद्र का किस युग की रचना। आपको बताना है भैया जो मोस्ट फेमस रचना है रामचंद्र का वो किस युग की रचना है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक टारगेट रख रहा हूँ, इस वीडियो का एक टारगेट मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 प्रश्न है और यहाँ पे मेरा टारगेट है इस वीडियो पे 100 लाइक। अगर क्या है इस वीडियो पे टारगेट है 100 प्रश्न है, 100 लाइक आपको कंप्लीट करना है। इसका ऑप्शन दिखा देते हैं, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रामचंद्र का किस युग की रचना, आपको आदिकाल दिया गया, भक्ति काल दिया गया, रीति काल दिया गया, आधुनिक काल दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि भैया रामचंद्र का क्या है रीति काल की रचना है। तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया प्रश्न। कह रहा है कि द्वापर किसकी रचना, आपको बताना है कि द्वापर किसकी रचना है, घनानंद की है, भूषण की है, बिहारी की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। तो आप सभी को याद रखना है कि द्वापर रचना जो है मैथिली शरण गुप्त का है, तो घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मतीराम जी की है। पहला आपको आंसू दिया गया है, दूसरा आपको झरना दिया गया है, तीसरा लहर दिया गया है, और चौथा आपको ललित ललाम दिया गया। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो ललित ललाम रचना है यही क्या है मतीराम की रचना है। तो यहाँ पे घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 9 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं, काफी इंपोर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, आपको बताना है
जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन कब किया गया था, 1953 में किया गया था, 1943 में किया गया था, 1935 में किया गया था या 1919 में किया गया था। तो आप सभी को याद रखना इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया गया था। आप देख सकते हैं आपके सामने 10 नंबर का भी प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। चिदंबरा किसकी रचना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, आपको बताना है कि रचना किसकी है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, रामकुमार वर्मा दिया गया है, श्रीधर पाठक दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो चिदंबरा रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है, तो यहाँ पे गॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है कि भैया जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। हास्य होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है या रति होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का प्रश्न आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपके सामने आएगा, जैसा पे डाला है बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न आपको अलंकार से पूछा जाएगा, 10 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे रस से पूछा जाएगा। तो जैसा पेपर आएगा वैसे यहाँ पे प्रश्न लिया गया है, 100% कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपका हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, देख सकते हैं 12 नंबर का प्रश्न है कि उभय बीच श्री सोई कैसी, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसी, मैं आपको अलंकार बताना है। ये आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ये आपको चार ऑप्शन दिया गया, आपको अनुप्रास अलंकार दिया गया, रूपक दिया गया, उपमा दिया गया है और उत्प्रेक्षा दिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, घोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया 11-11 मात्राएं, दूसरा दिया गया 13-13 मात्राएं, तीसरा आपको दिया गया 16-16 मात्राएं और चौथा आपको दिया गया है 24-24 मात्राएं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर जो 13 है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क वाला हो जाएगा। सोरठा के प्रथम और तृतीय में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती है, आपको याद रखना है। आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, आपको चार ऑप्शन दिया गया है लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क वाला हो जाएगा। अनुकरण में क्या है, अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया, आपको याद रखना है। आपके सामने 15 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न कह रहा है कि भैया पीताम्बर में कौन सा समास, आपको बताना कि ये जो शब्द पीताम्बर है इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा या बहुव्रीही होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर जो 15 है इसका करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा, पीताम्बर शब्द में बहुव्रीही समास होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि पत्थर का तत्सम रूप आपको बताना है, दिया गया है लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे गवला हो जाएगा, प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको 17 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है का पंचमी विभक्त एक वचन का रूप है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसको जरूर तैयार करिएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे ग वाला हो जाएगा। उस्मद का जो पंचमी विभक्त एक वचन का रूप आपका ग वाला होगा, आपको याद रखना है। आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 18 प्रश्न करा दिया लेकिन 18 लाइक नहीं कंप्लीट किया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट है 100 लाइक का, मात्र 100 लाइक आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे 100 प्रश्न बताने वाला हूँ, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको इसका ऑप्शन दिखाते हैं, ये चार ऑप्शन आपको दिया गया, आपसे वाक्य का भेद पूछा गया था, तीन दिया गया है, चार दिया गया है, पांच दिया गया है, सात दिया गया। तो आप सभी को याद रखना कि वाक्य के तीन भेद होते हैं, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का आपको प्रश्न दिया गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड परीक्षा में वाच्य से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सभी को याद रखना की जो वाच्य होता है वो तीन प्रकार का होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर घोवला हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि निजवाचक सर्वनाम है, आपको बताना इसमें से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवला हो जाएगा। जो आप है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 21 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं, 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक है, राधाचरण गोस्वामी है, चतुर्सेन शास्त्री है, दौलत राम है या धर्मवीर भारती है। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे जो धर्मवीर भारती है ना, यही क्या है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो घोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि गबन किस विधा की रचना है,
नाटक है, एकांकी है, उपन्यास या कहानी है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे गोवाला हो जाएगा। गबन क्या है? एक उपन्यास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। आप देखिए, आपको देखने में तो आपको आत्मकथा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो आत्मकथा नहीं है, यह एक प्रकार का उपन्यास है। तो यहाँ पे गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में जब इस प्रश्न को पूछा जाता है तो काफी लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि भैया आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा होगा, लेकिन आपको याद रखना यह एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं, देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कहानी क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है, कफन दिया गया है, ममता दिया गया है, इसके अलावा दो और ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ये दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, इंदुमती दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो आप सभी को याद रखना कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती होती है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुक्ल युग का समय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस प्रश्न को रिपीट किया गया, ये दोबारा आपको दिया गया, इसके पहले भी आपको मैंने बताया है। तो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवाला हो जाएगा। 1919 से 1938 तक जो भी प्रश्न यहाँ पे रिपीट किया जाएगा, 2 से 3 बार दिया गया है, इसका मतलब यही है कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नहीं भूलना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार लिखा है ताकि आपको ये प्रश्न तैयार हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको भूषण दिया गया है, बिहारी दिया गया है, केशवदास दिया गया और तुलसीदास दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि भैया रामचंद्रिका क्या है, केशवदास की रचना है, तो गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया भूषण जो कवि है वो किस युग के संबंधित है, किस युग के कवि है, रीतिकाल के है, आदिकाल के है, भक्ति काल के है या आधुनिक काल के है। तो आप सभी को याद रखना है भैया जो भूषण जी है वो रीतिकाल के कवि है, तो यहाँ पे गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आंसू है, झरना है, लहर है या छड़दा है। तो आप सभी को याद रखना है कि भैया ये जो रचना आप देख रहे हैं छड़दा, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पे गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह 29 नंबर का प्रश्न आ गया है, ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको रिपीट किया गया है। आपको याद रखना है कि तार सप्तक का प्रकाशन हम सन 1943 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर का भी प्रश्न रिपीट किया गया है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चिदंबरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना, अभी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको लगभग 30 प्रश्न करा दिया, इस समय बताएंगे कि 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। अगर यहाँ पे 20 प्लस प्रश्नों का आंसर पहले से पता था तो मान के चलिए आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, और तरीके से आपको तैयारी करना है। आपने क्या किया, 30 लाइक नहीं कम्प्लीट किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 लाइक जरूर कम्प्लीट करिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। आपको 31 नंबर का प्रश्न आ गया है, ये भी प्रश्न रिपीट किया गया है। आपको बताना है कि हास्य रस का स्थाई भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से आपको देखना है। तो अभी मैंने बताया है कि हास रस का स्थाई भाव हास होता है। या आप देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, पीपर पात सरिस मन डोला में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, अनुप्रास दिया गया है, रूपक दिया गया, उपमा दिया गया है और उत्प्रेक्षा दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है, 20 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। तो आप सभी को याद रखना है कि भैया रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 34 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं, आपको बताना कि किसमें उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, पहला उपदेश दिया गया है, दूसरा ऊपर है, तीसरा उपनाम है और चौथा आपका उपवन है। तो आपको मैं बता दूं कि ऊपर जो शब्द दिया गया इसमें उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, ये भी प्रश्न रिपीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रिपीट किया गया ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तभी मैंने बताया कि पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा, तो गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि खीर का तत्सम रूप आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खोवाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। 37 नंबर का
प्रश्न आ गया है, ये भी प्रश्न क्या है, रिपीटेड है, तो इसको बिल्कुल आपको तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया है कि उष्मा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का आपको रूप को बताना है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा, करेक्ट आंसर आपका गोवला हो जाएगा। यहाँ पे 38 नंबर का भी प्रश्न रिपीटेड है, इसको भी तैयार करिएगा। जो भी प्रश्न रिपीटेड है इसका मतलब है कि ये प्रश्न आपको 100% बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। साधु की रचना के आधार पर वाक्य क्या क्या होते हैं, तीन भेद होते हैं, तो गोवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वाच का भेद पूछा हुआ, तो वाच के तीन भेद होते हैं। यहाँ पे चलिए 40 नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गया है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना आपको बताना है, कि बहुत ही ज्यादा ये फेमस रचना है चिंतामणि। आपको बताना है कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, नाटक दिया गया है, उपन्यास दिया गया है, फिर से नाटक लिखा गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि भैया चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया है, अमृत राय दिया गया है, गुलाब राय दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खोवला हो जाएगा, अमृत राय। कलम की सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय का है। यहाँ पे देख सकते हैं भैया 42 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है, तो खोवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 43 नंबर का प्रश्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है, तितली दिया गया है, लहरों के राजहंस दिया गया है, आपको दिया गया है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, परीक्षा गुरु दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना कि हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है परीक्षा गुरु है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 44 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस प्रश्न को दिया जा रहा है ताकि आपको तैयार हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि भैया शुक्ल युग का समय कब से कब तक माना जाता है। तो अभी मैंने बताया 1919 से 1938 तक माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये भी प्रश्न आपको रिपीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तब मैंने बताया कि रचना केशव दास की है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 46 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, घनानंद जी है, भूषण जी है, बिहारी जी है, सेनापति है। तो आप सभी को याद रखना है कि भैया 46 नंबर जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 47 नंबर का प्रश्न आपको रिपीट किया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, छड़दा हो जाएगा। यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा के रचयिता है, आपको बताना है कि जो बहुत ही फेमस रचना है दीप शिखा, इसके रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, यानी रारा जी है। तो आप सभी को याद रखना है कि दीप शिखा क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सूरदास की नहीं है। सूर सागर है, शबद है, सूर सरावली है, या साहित्य लहरी। तो आप सभी को याद रखना कि जो खवल ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शबद क्या है, सूरदास की रचना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको 50 नंबर का प्रश्न कराते हैं। देखिए आपके सामने 50 नंबर का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है कि भैया करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है, शोक होता है, निर्भेद होता है, या रति होता है। तो आप सभी को याद रखना है इसका स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया, आपको 50 प्रश्न करा दिया। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था। अगर 50 में से आपको लगभग 40+ प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। अगर आपको नहीं पता था तो आपको तैयार करने की जरूरत है। यहाँ पे पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर 100 में से लगभग 80+ प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था या आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में हिंदी में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 51 नंबर का प्रश्न आ गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे टारगेट को पूरा करेंगे। हमारा टारगेट है मात्र 100 लाइक का टारगेट हमने रखा है, लेकिन यहाँ पे 50 प्रश्न मैंने करा दिया, अभी तक आपने 50 लाइक नहीं कंप्लीट किया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 51 नंबर का प्रश्न है कि चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को याद रखना है कि भाई चरण कमल बंधु हरिराय में आपका रूपक अलंकार होगा, तो यहाँ पे खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे चितही जान की लखन तन, उपयुक्त पद में कौन सा छंद होगा, रोला होगा, सोठा होगा, सवैया होगा या कुंडलिया होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 52 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोठा हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट आ गया है, प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण शब्द में आपको बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, पर का किया गया है, पौ का किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग होता है, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है, द्वंद समास है, द्विगु समास है। दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चलिए दो और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कि भाई दशानन में कौन सा समास होगा। दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, कर्मधारय दिया गया और बहुव्रीहि दिया गया। तो आपको मैं बता दूं कि भैया जो 55 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ वाला हो जाएगा, दशानन में बहुव्रीहि समास होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि आग का तत्सम रूप है, आपको बताना है कि आग का तत्सम रूप क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा, आग का तत्सम रूप अग्नि होता है, आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं 57 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि राहुल धीरे धीरे चलता है वाक्य में आपको वाच्य का भेद बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क वाला हो जाएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 58 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं ये भी प्रश्न रिपीटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए बार बार इस प्रश्न को दिया जा रहा है ताकि आपको तैयार हो जाए। अब सभी को पता है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे खवला हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पंचमी एकवचन का रूप पूछा हुआ है, तो यहाँ पे खवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 59 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि वह कल विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। तो आपको बताना है कि कल सर्वनाम होगा, कि वह होगा, कि विद्यालय होगा, कि जाना होगा। तो आप सभी को पता है कि वह आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा, तो करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि भैया रस मीमांसा के लेखक कौन है, आपको बताना है कि रस मीमांसा के लेखक का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद्र है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आप सभी को याद रखना है कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने 61 नंबर का भी प्रश्न आ गया है, प्रश्न कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 61 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर एकांकी हो जाएगा, भारत दुर्दशा एक प्रकार का एकांकी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं कि क्या तैयार करना है। आपके सामने 62 नंबर का प्रश्न आ गया है, 62 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, कहानी है, जीवनी है, नाटक है या उपन्यास है। तो आप सभी को याद रखना कि करेक्ट आंसर यहाँ पे घ वाला हो जाएगा, यह एक प्रकार का उपन्यास है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो काफी लोग जीवनी पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि यह एक प्रकार का उपन्यास है। ये भी देखिए प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, तभी मैंने बताया कि इंदुमती हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको 64 नंबर का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि सन 1919 से 1938 तक के समय को क्या बोला जाता है, युग बोला जाता है, शुक्ल युग बोला जाता है, प्रसाद युग बोला जाता है या उपयुक्त सभी, हम लोग शुक्ल युग बोलते हैं, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की रचना आपको बताना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल का है, रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास है, प्रेम माधुरी है या रामचंद्रिका है। तो आप सभी को याद रखना कि करेक्ट आंसर घोवला हो जाएगा, रामचंद्रिका क्या है, रीतिकाल की रचना है। यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अभी मैंने बताया है इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोवला हो जाएगा, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 67 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आपको आंसू दिया गया है, झरना दिया गया है, लहर दिया गया है, यमा दिया गया है। तो आप सभी को पता है
कि भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा, क्योंकि यमा क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। आपको 68 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि लोकायतन के कवि है, आपको बताना है कि भाई जो लोकायतन है वो किसकी रचना है। तो चलिए आपको चार ऑप्शन दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है और निराला है। आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 68 नंबर प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। लोकायतन के कवि यही है। यहाँ पे और का प्रश्न दिया गया है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, मतिराम है, भूषण है, घनानंद है या हरिहोद है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा, खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सिमी, आपको अलंकार बताना है, अनुप्रास होगा, रूपक होगा, उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा। तो आप सभी को याद रखना कि करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा उपमा हो जाएगा, गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 72 नंबर का प्रश्न दिया गया है, रिगुला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 होता है, 20 होता है, 24 होता है या 28 होता है। तो करेक्ट आंसर गोवल हो जाएगा, 24 मात्राएं होती है। 73 नंबर का आपको प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं कि परिजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क वाला हो जाएगा, परी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। 74 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, यहाँ पे भेद नहीं पूछा गया, अंग पूछा गया है। कहना कि वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 75 नंबर का प्रश्न है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारा है, बहुविरहित। आप सभी को याद रखना कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ वाला हो जाएगा, त्रिनेत्र में क्या है, बहुविरहित समास है। यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि पंछी का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया 77 नंबर का प्रश्न कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के क्या होते हैं, तीन भेद होते हैं, तो गवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 78 नंबर का प्रश्न, बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, 100% ये बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर खोवला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 79 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो भाई यहाँ पे जो सर्वनाम हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको दिया गया कि आकाशदीप और ममता किसकी कृति है, यानी इसके लेखक कौन है। तो चलिए आपको चार ऑप्शन दिखा देते हैं। तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसका पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चूंकि मेरे पास क्या है, सभी विषयों के 100+ क्या है, एमसीक्यू प्रश्न है। अगर आप 100+ प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो किसी विषय में आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो जिनको भी पीडीएफ नोट चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न, चार ऑप्शन आपको दिया गया, जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, दिनकर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पे जो आकाशदीप और ममता है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। 81 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, रेती के फूल है, छड़दा है, हंस है या उर्वशित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे खवला हो जाएगा, छड़दा क्या है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संरचनाएं कौन सी हैं, तो आप सभी को याद रखना कि करेक्ट आंसर खवला हो जाएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, मर्यादा और हंस हो जाएगा। यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, कहानी है, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक है। तो आपको याद रखना कि करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा, यह एक प्रकार का आत्मकथा है। यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न रिपीट किया गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि 1919 से 1938 तक के समय को हम लोग शुक्ल युग कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा 85 नंबर का प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र का किसकी रचना है, तो आप सभी को मैंने बताया कि यहाँ पे केशवदास की रचना है। यहाँ पे देखिएगा आपको 86 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय जी थे, निराला जी थे, दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं, ऑप्शन आपको दिया गया था लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है,
प्रकृति का मानवीकरण है, युद्धों का वर्णन है, यथार्थ का चित्रण है, भक्ति की प्रधानता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौवला हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण करेक्ट आंसर है। या आप देख सकते हैं 88 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि झरना किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का है या निराला का है, तो आप सभी को याद रखना है जयशंकर प्रसाद का है। तो खोवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या आप देख सकते हैं आपको 89 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रीतिकाल, तो खोवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 90 नंबर का प्रश्न आपको रिपीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करुण रथ का स्थायी भाव बताना है तो शोक हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 91 नंबर का प्रश्न है कि चरण कमल बंदोहरी राय में कौन सा अलंकार होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बता दूं कि 91 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवला हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 92 नंबर का प्रश्न है कि सोठा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, मोस्ट रिपीटेड है तो 24 मात्राएं होती है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, चार ऑप्शन दिया गया लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवला हो जाएगा। आपको यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ये भी रिपीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि भैया यहाँ पे पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो कौन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रचना के आधार पे आपको वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 3 भेद होते हैं, खवला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है कि भैया तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्वंद होगा, दिगु होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, तो आप सभी को बता दूं कि करेक्ट आंसर खवला हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि दूध का तत्सम रूप बताना है, तो भैया दूध का जो तत्सम रूप होता है दुग्ध होता है, तो कौवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। या आप देख सकते हैं आपको 97 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि रामपत्र लिखता में वाच्य बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कर्ता वाच्य हो जाएगा, तो कौवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया इसका वचन और विभक्ति बताना है, तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। सर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन बता दो कि 98 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवला हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि निम्न में से सर्वनाम है, राम है, ईमानदारी है, जानवर है या वह है, तो आप सभी को याद रखना है कि वह क्या है, आपका सर्वनाम है। यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको 100 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चाहूंगा कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग को पता है कि भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपको 4 ऑप्शन है, तो आपको अगर आता होगा तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता है। अगर आपको यहाँ पे 80 प्लस प्रश्नों का उत्तर पहले से पता होगा तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। अगर आपको नहीं तैयार है तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को तैयार करना है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देख सकते हैं हिंदी का वायरल पेपर आपको 2 नजर आ रहा है, इसको क्लिक करके देखिए, हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।